हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में देखा होगा कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन हो सकता है। बट ये जो पॉसिबिलिटी है और ये जो दिन, कुछ 7-8 दिन लोग रिव्यू करने वाले हैं, उसके बाद डिसाइड करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की ज़रूरत है या नहीं है। बट उसका असर जो है अब से दिखने लगा है। पब्लिक क्या कर रही है पता है आपको? अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, ताकि बाद में लॉकडाउन होगा तो बाहर जाने नहीं मिलेगा, इसलिए पब्लिक अभी निकल रही है बाहर शॉपिंग करने के। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो बाहर निकलने नहीं मिलेगा, तो लेट्स गो आउटसाइड, एन्जॉय अवर सेल्फ, रोम अराउंड, ताकि लॉकडाउन होने के बाद बाहर निकलने नहीं मिलेगा। बट ये होने से होगा क्या पता है आपको? सिचुएशन और वर्स हो सकती है, क्योंकि पब्लिक अभी जब निकलने वाली है, वो बाहर जब निकलेगी तो क्या खाएगी? पानी पूरी, आइसक्रीम, ठीक है। और कोरोना तो एक चीज़ हो गया, लेकिन स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहर के खाने से होता है, वो बढ़ जाएगा। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि स्टमक रिलेटेड जो डिजीज़ है कोरोना के आने के बाद जो है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने बाहर का खाना बंद कर दिया है। लेकिन अब क्या होगा, ये कोरोना का जो डर है या जो लॉकडाउन का डर है, उसके वजह से जो पब्लिक रोड पर आने वाली है और शॉपिंग्स करने वाली है, ओके, और जब शॉपिंग करेंगे, बाहर का खाने वाली है, और बिना मास्क के जो घूमने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप रोड पे देखेंगे बहुत सारे खाने के आइटम्स मिलने लगे हैं, और जो पब्लिक बाहर निकल रही है वो बिना मास्क के निकल रही है, सो सिचुएशन को वो और वर्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि लॉकडाउन के डर से अब एन्जॉय कर लो, इससे जो चीज़ है और वर्स हो जाएगी। और दूसरा क्या हो रहा है पता है आपको, कि खाने पीने के जो आइटम्स हैं लोग अभी क्वांटिटी में भरना शुरू कर दिए हैं। प्लीज़ हमें पता होना चाहिए कि लॉकडाउन में भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ था। ये चीज़ें मिल जाती थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलती थी, ठीक है, तो आप ले सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में भर के। अब उसका क्या करने वाले हैं मुझे समझ नहीं रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन हो भी जाता है, ठीक है, तो ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, जो चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो हमें मिल जाएगी लॉकडाउन के बाद भी। तो प्लीज़ इतना सारा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं चीज़ों के, वो राइज हो जाएंगे खाने पीने की चीज़ों के। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और ये डर से कि लॉकडाउन हो जाएगा, मार्केट में इतनी क्वांटिटी में बाहर मत निकलिए, ठीक है। और साथ साथ अगर बाहर निकल रहे हैं ज़रूरी काम के वजह से, तो प्लीज़ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए, और अपने आसपास वालों का और अपने घर वालों का, क्योंकि आप बाहर जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हो सकता है आप स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए, कोरोना ना लेके आए, बट ऐसे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो, तो आपके घर वालों को भी तकलीफ़ होगी। आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया तो आपको घर वालों को भी तकलीफ़ होगी। तो प्लीज़ जब ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, और कोरोना के डर से इतना सारा परचेज़ जो है खाने पीने की चीज़ों का, वो ना करें।